आपको सीधे हरियाणा विधानसभा लिए चलते हैं, जहां से मनोहर लाल हरियाणा के बजट को पेश कर रहे हैं। इनके अच्छे परिणाम हो, इन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में सरकारी खजाने से कुल निवेश वर्ष 14-15 के 9,141 करोड़ रुपए से 218% बढ़कर वर्ष 18-19 में 29,130 करोड़ रुपया हो गया है। मैं कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत 23 सार्वजनिक उप क्षेत्र उपक्रमों में से 19 उपक्रमों के प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने वर्ष 18-19 में 1704 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। गौरतलब है कि 14-15 में केवल 13 उपक्रम शुद्ध लाभ की स्थिति में थे, 14-15 में सार्वजनिक उपक्रमों के 10 उपक्रम घाटे में थे, जबकि 2018-19 में उनकी संख्या घटकर केवल 4 रह गई है। इसी अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सकल घाटा 2213 करोड़ रुपए से घटकर केवल 52 करोड़ रुपए रह गया है। सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के 19 उपक्रमों ने भी सुधार के लक्षण दर्शाए हैं। इनमें से लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या 2014 में 6 से बढ़कर 18-19 में 7 हो गई और इस दौरान इनका लाभ 40.61 करोड़ रुपए से बढ़कर 93 करोड़ रुपया हो गया है। अध्यक्ष महोदय, 18 फरवरी को जब विधायकों के बजट पूर्व परामर्श सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत कर रहे थे, तो उस दिन महर्षि स्वामी दयानंद की 197वीं जयंती होने के कारण हमने उनके जीवन मूल्यों पर भी मनन किया था। हम सब ने माना था कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने का अर्थ है कि हम अच्छी परंपराओं की रक्षा करें, बुरी परंपराओं को तोड़ने में न झिझकें और नई परंपराओं को शुरू करने का साहस भी रखें। जहां हमने बजट पूर्व विधायक व्यापक विचार विमर्श की एक नई परंपरा की शुरुआत की है, वहीं राजकोषीय घाटे को GDP के 3% और ऋण को 25% की सीमाओं में रखने की परंपराओं का पालन किया है। अब जो बजट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसमें वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा GSDP का 2.73% रखने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारा राजस्व घाटा 1.64% तथा प्रभावी राजस्व घाटा 0.75% रहने का अनुमान है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले 5 वर्ष में प्रभावी राजस्व घाटे को 0 पर लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने कुछ परंपराओं को तोड़ा भी है। सभी विभाग अक्सर अपनी स्कीमों को अपनी संतान प्राय मान लेते हैं, वे किसी भी स्कीम को बंद नहीं होने देना चाहते। मैंने सभी विधायकों से आग्रह किया था कि वे अनुपयोगी योजनाओं के बारे में मुझे बताएं। मुझे खुशी है कि इस बजट में हमने 132 योजनाओं का 40 योजनाओं में विलय कर दिया है, 18 योजनाओं को समाप्त कर दिया है और 6 योजनाओं का अन्य विभागों में समावेश किया है। ये एक सतत प्रक्रिया रहेगी और आने वाले दिनों में योजनाओं का और अधिक युक्तिकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और परंपरा है कि सदन द्वारा पारित बजट पर वित्त विभाग द्वारा त्रैमासिक व्यय सीमा लगाई जाती है। मैंने वर्ष 2020-21 से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को, जो अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों, महिला कल्याण तथा कृषि मत्स्य पालन बागवानी और सिंचाई से संबंधित है, उनसे त्रैमासिक व्यय सीमा हटाने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से उनके लिए वर्ष भर निर्बाध रूप से धन उपलब्ध करता रहेगा। हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्थिति के उपरोक्त संक्षिप्त चित्रण से यह स्पष्ट है कि यदि हम राजकोषीय अनुशासन तथा सुधारों के मार्ग पर इसी प्रकार चलते रहे तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत वर्ष की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर $5 ट्रिलियन करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में हरियाणा का अत्यंत विलक्षण एवं प्रभावी योगदान रहेगा। इसे राष्ट्र के आर्थिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आज का राज्य बजट इस मार्ग को सुगम एवं प्रशस्त करेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट प्रस्ताव पर आता हूं। एक प्रथा रही है कि विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार और फिर प्रत्येक क्षेत्र में विभाग अनुसार पढ़ा जाता है।
मैं इसी के अनुरूप ही सारे आवंटन आपके सामने रखूंगा। वित्त मंत्री के हाथ में सारा राजकोष होता है और उसका आवंटन वे अपनी इच्छा अनुसार करते हैं।